नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में मेगा जुड़ चुके आपके साथ में। रुक करते हैं अगली खबर की। आज अगली खबर है थाना सदर क्षेत्र से, जहां पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पेड़ से की गई 1 लाख रुपए की ठगी। आइए जानते हैं खास रिपोर्ट। आगरा देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार युवाओं के लिए काफी भर्ती निकाल रही है, लेकिन फिर भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और इसका फायदा कुछ घूसखोर और दलाल उठा रहे हैं। ताजा मामला आगरा के थाना सदर क्षेत्र लालजीत सियोड़ी निवासी जय सिंह से। दूसरे गांव के रहने वाले समर सिंह ने सैफई के सरकारी अस्पताल में ड्राइवर के पद पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक बकाया 4 लाख रुपए रकम कम होने के बाद देने को कहा। पूरा काम होने की बात 5 लाख में तय हुई, जिससे पीड़ित से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए, लेकिन अब तक उसे नौकरी नहीं मिली। आरोपी समर सिंह अपनी सेटिंग मंत्रियों से बताता है और कहता है कि अभी मुख्यमंत्री योगी जी का मूड ठीक नहीं है, जैसे ही मूड ठीक होगा आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब तक 3 वर्ष हो चुके हैं, ना तो पीड़ित को नौकरी मिली है, ना ही उसका पैसा मांगने पर, और SC ST मुकदमे में फंसाने की धमकी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस उपायुक्त से कलेक्ट्रेट में आकर की। जानकारी के मुताबिक आरोपी कई लोगों से इसी प्रकार की ठगी पहले भी कर चुका है। ठगी क्या आरोप पर कसा जाएगा, शिकंजा क्या पीड़ित को नाम मिल पाएगा। मेरा नाम जय सिंह है, मैं नगला लालजीत नियर COD के पास आया हूँ। क्या मामला आई है पूरा, जिसमें आप शिकायत करने? मैं शिकायत करने आया हूँ शक्ति सिंह पथरौर प्लस उनका बेटा समर सिंह पथरौर और उनका बेटा शक्ति सिंह पथरौर, ग्राम भोगलपुरा थाना मलपुरा। क्या मामला क्या है? मामला सर, मैंने आज से करीबन 3 वर्ष पूर्व इनको 1 लाख रुपए इन्होंने मुझसे लिए थे नौकरी लगवाने के बहाने। किसमें नौकरी लगवा रहे थे? सैफई डिस्ट्रिक्ट में सरकारी भर्ती ड्राइवर की निकली थी साहब, तो इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं इनके पास गया, इन्होंने मुझे अपनी ज़मीन जायदाद दिखाई मुझसे पैसे हड़पने के लिए। तो हमारे समझ में आ गई, बहुत अच्छे इंसान है जी, इनके पास ज़मीन जायदाद भी है, ये यहाँ से कहाँ जाएंगे, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, बड़े बढ़िया व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने सर मेरा पूरा पैसा खा गए। जब मैं पैसे इन लोगों से मांगने जाता हूँ तो इनका बेटा जो आपको अपने आप को प्रदेश उपाध्यक्ष बताता है और वो नौकरी लगवाने के बहाने से वो कई लोगों को ठग चुका है, और साहब मैं चाहता हूँ। कितना पैसे लिए आपसे? मुझसे 1 लाख रुपए साहब इनके पिताजी ने लिए, समर सिंह पथौर ने। नगद लिए या चेक द्वारा? कैश दिया था साहब, कैश दिया। पिताजी हमारे एक्सपायर हुए थे तो कुछ पैसे उनके एक्सपायर के पैसे मिले थे साहब, तो उन्होंने कही थी कि इन्होंने समर सिंह पथौर ने कही थी मुझसे कि मैं तेरे पिताजी की मतलब जैसी तुम्हारी भी पोस्ट बन जाएगी और तुम नौकरी पर लग जाओगे। लेन देन का कोई ऑडियो एविडेंस कुछ है आपके पास? सर मेरे पास सारे एविडेंस हैं, जिस समय दिया था उस समय नहीं बनाया था, क्योंकि इन्होंने बनाने से मना कर दिया था कि तेरी नौकरी नहीं बनेगी अगर वीडियो बनाएगा तो। उसके कुछ समय बाद जब मैं पैसे मांगने गया, इन्होंने पैसे नहीं दिए, जब मैंने चुपके से इनकी एक वीडियो बनाई थी और वो एविडेंस मेरे पास है सर। अब इनके खिलाफ क्या मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता? बिल्कुल साहब, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जो मैं ठगी का शिकार हुआ हूँ ऐसे और कोई ना हो।